तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। जल्दी खिला नहीं तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा। मैं खिला रहा हूँ। तुम दोनों अच्छी तरह से जानती हो ये वीडियो देखने के लालच में तुम अपने सुस्त बाप को महासुस्त बना रहे हो हैं? अब नौबत यहाँ तक आ गई कि मोगली भी नहीं छील सकते, न जाने चबा कैसे रहे हो। निकलो यहाँ से। हाथ में किताबें देखूं, होमवर्क करो। ये क्या हरकत है भाई, मुझे ऐसी बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा हमाद, इस वक्त मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, इस घर में मेरी बहन और मेरी कोई इज्जत नहीं, जीरो। हल्का लिया हुआ हमें। ओ क्या, तुम्हारा नक चढ़ा मगरूर भतीजा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि हाय मेरी मोना को ले जाओ आइसक्रीम खिलाने के लिए, इनकार कर दिया, मुंह पे चिट्ठा इनकार। अच्छा हाँ, मोना के अपने हाथ पैर सलामत है, उससे कहो कि खुद आइसक्रीम खा ले, इसमें क्या है। बात ये नहीं है, बात ये है कि मोना को नो कर रानिया को गाड़ी में बिठाया, शू करके ले गया। ओ तू थी बेशर्मी की है, इस तरह से चिपक चिपक कर हर जगह पे जाना। और अम्मा जी ने भी आंखें बंद की हुई है, खुली छुट्टी दी हुई है। भाई मैं तो हमार तुम चचा हो मैं के, मैं कहती हूँ अपना हक इस्तेमाल करो, रोको ये सब। हक इस्तेमाल करूँ अपना? रानिया को लेकर जाना बेहयाई और बेशर्मी के जमरे में आता है, इसलिए कल से मोना को लेकर जाए, ये कहूँ ना। तौबा है, मैं भी भूल गई थी किससे हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। तुम्हें तो इतना एहसास भी नहीं कि सारे पापड़ जो मैं बेल रही हूँ वो किसके लिए, तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। एक दफा मोना की शादी हो जाए महीर से, इस घर में आ जाए, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। कोई मुनासिब सी तरकीब सोचो फिर मेरे पास आना, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ही बिजी हूँ। अब तरकीब भी मैं सोचूं, तुमने खुद कुछ नहीं करना। तो भाई साजिशें और तरकीबें तो तुम्हें आती हैं, मुझे तो आती नहीं है। और कुछ नहीं कर सकते तो बस ये निकाह सा काम कर दो। अम्मा जी को जाकर तुम कह सकते हो कि ये जो इकट्ठे इकट्ठे सैर सपाटे करे ना, उससे हमारे खानदानी बकार पर हर्फ आता है। कह सकता हूँ? हाँ तो जाओ कहो। अभी? हाँ अभी। ठीक है हमाद। ये माहिर को तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ इतना बुरा क्यों लगता है? पता नहीं, उसकी मर्जी। मुझे तुम्हारा दोस्त ना बहुत ही खुद पसंद है, तौबा है। मेरा दोस्त तुम्हारा कुछ नहीं? गलती से रिश्तेदार है मेरा, मगर हर वक्त लड़ता रहता है। ऐसे जब से मुझे ना उसके नफ्सियाती मसले के बारे में पता चला ना, मैंने झगड़ा करना कम कर दिया। अब तो मुझे उसको देख के तरस आता है। बेचारा। एक मिनट, कौन सा नफ्सियाती मसला? मैंने ना नफ्सियात की बुक में बिल्कुल ऐसे शख्स के बारे में पढ़ा था, उसमें लिखा था रानिया। ओए, हो गई ड्यूटी? हाँ बस होने ही वाली है। अच्छा तुम बताओ तुम कैसी हो, और वो तुम्हारी पड़ोसी बच्ची लाइबा कैसी है? सब ठीक ठाक है। आप सुनाए अपने डॉक्टर की, कुछ दुख कम हुए उनकी या नहीं? हैं? कौन से दुख? कोई तो दुख है, तभी तो इतनी रोंदो शक्ल बना के फिरते रहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर अभी तो मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया, पहले ही रोक लिया, अगर ना रोकती तो लेने के देने पड़ जाने थे। सलाम कुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? खाएंगे? आप फिर आ गए? जी, अब जब तक आप हमारे मरीज को ठीक नहीं कर देते हम तो आते जाते रहेंगे। क्यों? वो बुजुर्ग खातून की कंडीशन बहुत बेहतर है, कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो ये बात आप इतने दुख से क्यों कह रहे हैं? कैसी बातें कर रही हैं? ये बात मैं इतने दुख से क्यों कहूँ? और स्टाफ के आपका ड्यूटी टाइम ओवर हो गया है? नहीं सर, अभी बस 2 मिनट बाकी है। तो फिर जाए वार्ड में जाके ड्यूटी दीजिए, यहाँ खड़े होकर गप्पे मत मारे। और आप लोग अपने पेशेंट के रूम में जाके बैठे, हॉस्पिटल में इधर उधर घूमने का क्या मकसद है? जी डॉक्टर हम जा ही रहे थे। आओ ना रानिया, चलो चलते। जी डॉक्टर। प्रॉब्लम क्या है इनकी?
आदम बेजार इंसान, डॉक्टर के बजाय जेलर होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? अभी तक अस्पताल में हो या निकल चुके हो? ड्यूटी ऑफ हो गई है, बस निकलने वाला। अच्छा एक काम जरूर करना, घर आते वक्त ना सलवा से जरूर मिल लेना, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हेलो, अरे भाई क्या बात है, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या जवाब दूं बाबा, उसे मेरी परवाह ही नहीं है। अगर उसके दिल में मेरे लिए जरा भी ख्याल होता तो मुझे कॉल करती ना, लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं की। हमेशा मैं ही उसे कॉल करता हूँ, उसे मना लेता हूँ, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। और आप शायद इस बात को जानते भी नहीं हैं, कभी नोट ही नहीं किया आपने। हाँ लेकिन इस बार मैंने फैसला किया है कि मैं उसे अब कॉल नहीं करूँगा, रहने दूंगा, वेट करूंगा कि वो मुझे कॉल करे। ऐसी नाराजगी, चलो कोई नहीं, घर आ तो बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, खुदा हाफिज। आप? जी वो मैं आपसे कुछ बात करने आई थी, आप कॉल पर बिजी थे, शायद कोई पर्सनल मैटर डिस्कस कर रहे थे। आई एम सो सॉरी। मैं अपनी बात करें, आप क्या कहने आई हैं? अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही, मैंने आपकी बातें सुनी है, आप तो खुद ही। आप प्लीज अपनी बात करें, मैंने कहा ना। अच्छा मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई थी कि एक डॉक्टर की दवा एक मरीज पे इतना असर नहीं करती जितने उसकी मुस्कुराहट और खुश अखलाकी करती है, लेकिन मैंने जो बातें सुनी है उससे तो अंदाजा हुआ है कि आपकी तो अपनी लाइफ ही। एक्सक्यूज मी मिस, अब जो भी है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के सामने डिस्कस करना पसंद नहीं करता, तो अब जा सकती हूँ। अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है, अपने मसले ना खुद ही सॉल्व करने चाहिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ फिर, खुदा हाफिज। वैसे ना किसी को मना लेने से इज्जत कम नहीं होती, बढ़ जाती है। और झगड़ा निपटाने में जो पहल करता है ना वो इंसान सबसे मजबूत होता है। बस माँ जी वो माहिर और रानिया अभी तक वापस नहीं आए। आखो तेने कोई काम में? मुझे क्या काम होगा, मैं तो अपने सारे काम अपने हाथों से करने का आदी हूँ। कब से? नहीं माँ जी, मैं ये कह रहा था कि माहिर और रानिया अभी तक वापस नहीं आए, रात हो गई है, दोनों अकेले रात के इस पैर मुनासिब नहीं लगता ना। हमारे खानदान की एक रिवायत है जिसपे हमें फख्र है, हमारे खानदान की लड़कियाँ बहुत शरीफ बाइज्जत बाकिरदार हैं, और हमारे खानदान के लड़के उफ वो तो हमारे खानदान के नामूस के पासबान है। हमारे खानदान की रवायत को ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए, हमारे बच्चों को जमाने की हवा नहीं लगनी चाहिए। माँ जी बस भी करो, इतना लंबा ड्रामा सुनाने की क्या लोड है, चुप हो जाओ। जी माँ जी। तू कहना की जाना है? ओ माँ जी की हो गया, सब कुछ फिर बोलना पड़ेगा, आपने एक दफा में क्यों नहीं सुना? माँ जी मैंने इतनी लफड़ सुने तेरा। शुक्र तू सोचा भी किस तरह के और रानिया कोई गलत हरकत करेगी तो माहिर उसने बारे में तू कदी गलत ख्याल सोच सकना है? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो ये कह रहा था कि वो दोनों शाम के गए हुए अभी तक वापस नहीं आए। बस वो अस्पताल गए ने भाई, एक मरीज दी तमीरदारी वास्ते। अस्पताल? तेरा की ख्याल है, ओ उसनु आइसक्रीम खान लेके गया सी। ओ माँ जी आइसक्रीम कहाँ से आ गई बीच में, ये तो चल जा हूं, जाके आराम कर, थक गया होएगा ना इतनी देर नाल गल्लां जे कर रहे हैं, तेनू तो आदत ही नहीं है ना काम करन दी ना गल्लां करन दी कुछ है। वड्डा आया खानदान दी इज्जत और नामूस दा पासबान रखण वाला। माची चाय इसनू दे दे, चाय दा प्याला।
थक गया होगा ना, अपने कमरे से इधर टूर कर आया है शिकायत लगाने के लिए। माँ जी चाय पिला, अभी तो थक जाएगा। फिर चाय बारी तो नहीं क्या? माँ जी मैं जाऊं अपने कमरे में। तफाओ के फजल से इफ्रा की दादी की तबीयत ठीक हो गई। स्टाफ बता रहा था कि बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। तुम तो स्टाफ के साथ ऐसे घुलमिल रही थी जैसे तुम्हारी बचपन की सहेली। जी जैसे आप बचपन के मंगेतर। जब वो सब आपको मंगेतर मंगेतर कह रहे थे, शक्ल देखने वाली थी, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था। तो बहुत ही मजा आ रहा था, बस इतना भी कोई फनी नहीं था। देख रहा था मैं तुम किस तरह एंजॉय कर रही हो। अरे मुझसे पूछो मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी उस वक्त। मेरी बात सुने, इतना ना गरूर किया करें, इतनी खुद पसंदी अच्छी नहीं होती, मान ले मेरी बात। और जहाँ तक मेरी बात रही भाई, मैं तो मरने से पहले वसीयत करके जाऊंगी, कोई भी लड़की ना किसी भी मगरूर गुस्से वाले इंसान से कभी शादी ना करे। कुवारी मरती है मर जाए, मगर ये आफत हमने गले डाले। वैसे आपकी जो बीवी होगी ना, हाय बेचारी, दुनिया की बदकिस्मत तरीन औरत होगी वो। अब अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं गाड़ी मार दूंगा कहीं पर। अल्लाह, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? अभी तो मैंने हाथ होला रखा है, दोस्ताना अंदाज में समझा रही हूँ आपको, आप ही के लिए तो समझा रही हूँ। मैं जानती हूँ ना, अंदर से आप एक टूटे फूटे दुखी इंसान है। सारी कौन कौन से नफसियाती मसाइल का शिकार है आप? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं टूटा फूटा दुखी नफसियाती? तुम पागल हो? मेरे बारे में तुम्हें अपने ख्यालात का इजहार करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। ये जो आप चीख चीख कर बोलते हैं ना, ये आपके दिल का हाल बताता है। अभी तो मैं चीखा नहीं था, लेकिन अब अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं इतनी जोर से चीखूंगा कि तुम गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर जम करोगी। तुम ना तुम मेरे सामने आया ही मत करो, तुम्हें देखते ही मैं अपना टेम्परमेंट लूज कर देता हूँ। हाय अल्लाह, मैंने भी बेचारे पागल बंदे का दिल दुखा दिया, मुझे माफ कर देना। ये ले आपकी चाय। क्या हुआ, क्या सोच रही है? बाबरी ने मुझे कॉल की ना मैसेज, और मैं यहाँ पे सामान पैक करके बैठी हूँ। ओफो, खावर ने कहा तो था कि अम्मा जी और आपके सारे मामला तय हो चुके हैं, फिर क्यों टेंशन ले रही है? और अरबाब भाई यकीनन किसी काम में बिजी होंगे, इसलिए नहीं आए होंगे, परेशान ना हो। हाँ तो कॉल और मैसेज में क्या हर्ज है? यहाँ बैठ के ना उल्टी सीधी चीजें ना सोचे, आ जाएंगे वो। तू इत्थे बच्चियां दे नाल खेड रहा है, तेरा कल पेपर है, तैयारी कीती है तू? कोई रानिया बाजी तेरे नाल कितनी मेहनत कर रही है, ते तू है, तेरी फेर सपली आई ना, ते देख मैं की करा, मैं तेरा तेरा फोन ले लेंगी बस। चल उठ। बच्चे आ गए रानिया ते माहिर? नहीं अम्मा जी अभी तक तो नहीं आए। अरे माहिर भाई आ गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलामुअलैकुम। दादी दादी आपके जो ये चाहिए है ना, इसको लेकर मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा। ओहो, होया कि ये गल की है? ये एक नंबर की बदतमीज लड़की है, इसको बात करने की किसी से। रहन देवे, ए तो मैं नहीं मान सकती है, वे कितनी प्यारी, कितना हसमुख चेहरा है इसका। एक तू है, सारा वक्त तेरे माथे ते बल पया हुंदा है। सुधर जावे, सुधर जा। देख सड़ियल मर्द जड़े होंदे ने ना, उनकी बीवियां बड़ी तंग होती हैं उनसे। तो आप हमेशा ना पता नहीं क्यों उनसे की साइड लेती हैं। मेरी दादी तो आप लगता है ही नहीं। भाई खाना नहीं खाना, असीं ते थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, भूखे बैठे हैं इधर। चलो खाना तो लगवाओ। एक तो ये लॉन सेल भी ना, हेलो। ओ रानी बेटी कैसी है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? और मियां जी और पप्पू कैसी हैं? वड्डी आई भूल गई ना, शहर जाके मसरूफ हो गई है, कॉल ही नहीं करती। बेपो बड़ी नाराज है तुझसे, पता है? मसरूफ तो मैं वाकई बहुत हो गई हूँ, यूं समझे कि सोशल वर्क का मौका तो मुझे अब जाकर मिला है। ओए की कम,
ऐसे किसी काम में ना पड़ जाना, हमें शर्मिंदा ना करा देना, नाक ना कटा देना कहीं हमारी। इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है अम्मी, ये बात ना आपकी ना मुझे कभी समझ आएगी ना कभी आएगी। रानी एक गल मेरी सुन ले, किसी रोले शोले में तूने अपनी टांग नहीं अड़ानी, समझी? अच्छा छोड़े, मैंने ना कोई बड़ी अजीब सी बात बताने के लिए फोन किया है। हे अल्लाह, खैर की होया? पता है मैं और राबेल ना शॉपिंग के लिए बहुत बड़े से मॉल में गए थे। राबेल शॉपिंग कर रही थी, मुझे तो कुछ लेना वेना था नहीं, मैं तो ऐवी आते जाते लोगों को देख रही थी। आपको पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? मी बिल्कुल बाबा का हमशक्ल, ऐसे लग रहा था जैसे बाबा तस्वीर से निकल के मेरे सामने आ गए हैं। बाबा? बाबा मतलब मियाँ जी? नहीं नहीं, बाबा मतलब मेरे बाबा। क्या कह रही है रानी? आप भी हैरान हो गई ना, मेरा भी यही हाल हुआ था। मैं तो ना चाहते हुए भी बिला इरादा उनके पीछे चलने लगी, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही हूँ, मेरे बाबा तो दुनिया में ही नहीं है। वो तो एक अनजान आदमी था, मुझे जानता भी नहीं था। बहुत अच्छा किया जो पीछे नहीं गई, ऐसे किसी अनजान आदमी के पीछे तो नहीं चले जाते ना, और ना ही कोई उल्टे सीधे सवाल करते। आइंदा भी नजर आए ना तो ना पीछे जाना ना कोई सवाल करना, समझ रही है ना मेरी बात? ठीक है। वैसे अम्मी, जब बाबा की डेथ हुई थी मैं उन्हें याद तो बड़ा करती होंगी, रोती भी होंगी, है ना? तुम्हें कितनी दफा मैंने बताया कि तुम बहुत छोटी थी। बस ये बात दिमाग में रखो कि तुम्हें तुम्हारे मियाँ जी ने पाला है, बाप की तरह नखरे उठाए तुम्हारे बड़े उन्होंने। वैसे बाबा थे कैसे? उनसे प्यार तो बड़ा करते होंगे। क्या हो गया? नहीं नहीं करते थे, नहीं रहते थे वो साथ हमारे। ये क्या इतने बरसों बाद ये फजूल बातें लेकर बैठ गई है? मैं जब भी आपसे या मियां जी से बाबा की बात करती हूँ आप लोग मेरी बात ही टाल जाते हैं। मेरे वालिद थे, मेरा हक बनता है उनके बारे में जानना। अच्छा पुत्र, तेरे पास तो बड़ा टाइम है। मैं सुबह की उठी हुई हूँ, काम कर करके थक गई हूँ, अब कल बात होगी। खुदा हाफिज़। कोई खामोश गेम नहीं खेल सकते, कैरम हो गई, ये पिंग पोंग हो गई। ओहो, गुड मॉर्निंग महीर जी। गुड मॉर्निंग। वैसे महीर, मैं नोट कर रही थी कि मेरी जो मोना है ना उसकी और तेरी आदतें बिल्कुल सेम टू सेम है, वो भी छुट्टी के दिन पूरा दिन सोती रहती है, तेरा मजाज आदत। पता है हसीन इत्तेफाक को ना लोग क्या कहते हैं? मेड फॉर ईच अदर। चाची प्लीज फॉर गॉड सेक कोई सुबह मूड खराब मत करें, बहुत भूख लग रही है, नाश्ता करवा दे। शहंशाह, तुम अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा सके, मैं अम्मा जी का कमरा भी साफ करके आ गई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या कर रही हो, सारी मिट्टी मेरे मुंह में आ रही है। नाजुक मिजाज लोग ना यहाँ से तशरीफ ले जाएं, क्योंकि आज तो सारा दिन सफाइयां होंगी। चाची, देखे देखे देखे, लगी तो नहीं? नहीं, पर थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। मोना, महीर, महीर मोना, दोनों का छुट्टी के दिन मूड भी ऑफ रहता है। शहंशाह, मुझे लगता है कि ये सोफा उठेगा भाई। उठे उठे चलें, उठे। क्या मुसीबत है? मुसीबत क्या मतलब, पता नहीं क्या क्या गन फेंका हुआ स्क्रीन से, अब साफ सफाई तो करनी है ना, पूरा दिन नहीं है मेरे पास मैडम, उठना पड़ेगा आपको, चले उठे। सुनो सुनो, आइडिया है, तुम दोनों मेरे कमरे में जाके बैठ जाओ, नाश्ता भी उधर ही भिजवा दूंगी, है आपस में गलशल करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं सही हूँ। अरे बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? सोच समझ के कह रही है ना, या फिर कहीं आपको मोना से डर तो नहीं लगता? मैं ना किसी से डरता बरता नहीं हूँ। तो फिर चलो ना प्लीज। तो जाए ना, सफाई करने दें। चलो, पराठे भेज रही हूँ ऑमलेट के साथ, वो चीज वाले। हाँ ठीक है। ताई जी, आप मसरूफ हैं, मुझे कुछ बात करनी थी, चले खैर बाद में कर लूंगी फिर। नहीं, बात कर, बैठ जा, ये ले ले, मसरूफियत भी खत्म हो गई। क्या हुआ? ताजी, रानी की कॉल आई थी कल, वो रबेल के साथ कहीं मालशाल गई थी शॉपिंग शॉपिंग करने, तो वो कह रही थी कि उसे अपने बाप की शक्ल जैसा कोई आदमी दिखा उधर।
सामान। फिर वो उसे मिली, कोई बात की? मगर वो गई थी सी बात करने, लेकिन वो भीड़ चीड़ में कहीं खोज गया, बात नहीं हुई। ताया जी मेरी वाहिद कमाई है मेरी रानी, मैं उसको नहीं खोना चाहती। आप कुछ भी करें उसे वापस बुला ले बस। क्या बातें कर रही है? रानी को पता है क्या उसने करना है? रानी हमारी है, वो उसको लेके नहीं जा सकता। पर ताया जी वो बाप है उसका। ओ भाई तू माँ है उसकी, मैं भी हूँ मियाँ जी। माल करती है, इतना हम उससे प्यार करते हैं ना, और ना ही प्यार वो हमारे साथ करती है, वो किधर नहीं जाएगी। ताया जी जिस शहर में वो है ना, उसी शहर में समान है। आज नहीं तो कल तो सामना हो ही जाना है ना। आप कोई भी बहाना लगाए बुलाए उसको वापस, बस मुझे मेरी बच्ची इधर चाहिए। उसे परेशान मत हो, कितने नहीं जानती। बल्ले बल्ले पुत्री, तूने तो हर चीज ऐसी चमका दी है कि हर शहर नवी लग रही है। शाबाश शाबाश। मोना नाश्ता कर लिया हो तो तू शहनशाह के साथ जाकर महीर का कमरा भी सेट कर दे हैं। स्टाइल तो तेरा बहुत है। मैं क्यों? घर के मुलाजिम मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए है क्या? और आपको तो पता है मेरा लाइफस्टाइल, मैं सब गेस्ट हूं। बस ठीक है, जरूरत नहीं है, साफ ही है मेरा कमरा, कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में। अम्मा जी आपने एमी में भेज दिया माहिर भाई को, मोना के साथ जाने का उनका बिल्कुल भी दिल नहीं था। पुत्र वो मेहमान बच्ची है, परौनी है साड़ी, देखना उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। जो भी अम्मा जी, फिर भी उनका कितना मुंह। माँ जी वो मेहमान आया है। मेहमान? मेरे ससुराल वाले आए होंगे। आजे अम्मा जी। आई आई आई। कौन आए? वो पड़ोसिनी अपने, वो साथ तो रहते हैं। आए है। चल फिर। बैठिए 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 ना आंटी जी, मैं आपके लिए ना चाय का बंदोबस्त करती हूं। अरे नहीं बेटा, तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरे पास ही बैठो, मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, माशाल्लाह दिन भर तक पास बैठी रही। अम्मा जी देखिए आपके पड़ोसी आए हैं। हल हल तशरीफ रखो जी, बिस्मिल्लाह तशरीफ रखो। बैठ जाए बैठ जाए। सौ बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, आप मुझे तो जानती ही होंगी, हम मिले हैं पहले। हाँ आपने मेरी तारीफें भी की थी, याद है आपको? अम्मा तो मैं किसी की तारीफ नहीं करती। आपकी बेटी कैसी है अब? जी अल्लाह का शुक्र अब चंद रोज में स्कूल जाने लगेगी। है मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई थी, रानिया ने बहुत बड़ी निकी की है हमारे साथ, आपने हॉस्पिटल में मेरे रहते हुए अयाज और फरहाद का जिस तरह ख्याल रखा है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती। ओ नहीं जी, पड़ोसी पड़ोसी काम आता है ना, वो एक मुहावरा है ना इस तरह अच्छा जया। सियानी बिल्ली खम्मा नोचे, बंदर क्या जाने अदरक का मजा, कव्वा चला हंसकी चाल। हम साया मां जाया। आखो ओ वाला मुहावरा। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए कितनी माशाल्लाह इस बच्ची ने तो इतनी अच्छी बात की है, बहुत ही फरिश्ता है, फरिश्ता बड़ी प्यारी बच्ची है, इतनी हमदर्द हंसमुख माशाल्लाह। मामा मामा ये राबेल है, ये रानिया की कजन है, ये भी बहुत प्यारी बहुत हमदर्द है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। तो मैं आपको क्या बता रही थी, माशाल्लाह ये हॉस्पिटल में सबका ख्याल रखती थी, हर मरीज का ख्याल रखती थी, सबके साथ घुल मिल जाती थी, सबकी दुआएं लेती थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। मामा मामा वो राबेल जो है वो इनका कॉलेज लाइबा के स्कूल के बिल्कुल साथ ही है, तो क्यों ना कल से लाइबा को राबेल के साथ ही भेज दिया करें। हाँ सोचा जा सकता है। अच्छा तो बेटा रानिया तुम्हारे एडमिशन कब हो रहे हैं? वैसे मैं ये सोच रही हूँ तुम जैसी समझदार बच्ची जिस भी अदारे में तालीम हासिल करेगी उनका फखर का बायस बनेगी। मेरी रानिया तो मेरे फिरान वार सिद्दीकी की कापी है, दोवे अपने खानदान का फखर है।
जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो दिन रात इसकी तारीफें करती हूँ। मैंने तो लाइबा को भी कहा है कि दिन रात ज्यादा से ज्यादा टाइम रानिया के साथ गुजारा करे, इतनी प्यारी लगती है मुझे माशाल्लाह, मेरा दिल करता है इसे मैं घर ले जाऊँ, इतनी समझदार बच्ची। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी और सबसे हमदर्द लड़की आज से मेरी बहन है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मतलब आप इतनी चुप और इतनी अच्छी, इतनी बुरबार, कूलनेस आप पे खत्म है, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? गल सुनो, इस दा बंदा जेड़ा है ना, ए वड्डा समझदार है। मेरा ख्याल निकलना चाहिए बाजी। बैठ जाओ। अरे किसी बैठा हुआ बाजी, तुमने भी किसी को बहन बनाना था? अरे नहीं भाई, घर में ऑलरेडी बहन मौजूद है, फिर तुम्हें नया शोशा छेड़ने की क्या जरूरत थी? इतनी प्यारी, इतनी मुखलिस हमदर्द लड़की, मैंने सोचा था मेरे घर आएगी, मेरा घर जगमगा उठेगा, लेकिन मेरे नसीब में ये खुशी ये सुख कहाँ? अरे तुम आसपास भी तो नजर उड़ा के देखे ना, और भी खुशियां बहुत। पीछे हटो, बात ना करो मुझसे। मामा आखिर हुआ क्या है? पूछो इससे क्या हुआ है। लाइबा तुम्हें मैं बताता हूँ, मैंने ना सारी गवाहों की मौजूदगी में रानिया के सर पे दुपट्टा रखकर हमेशा के लिए बहन बना दिया। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आज से मैं भी रानिया को अपनी बहन बनाने का ऐलान करती हूँ। अरे तुम भी बचे हो, तुम भी ऐलान कर दो। अरे आपा, मेरे दुखड़े बहुत हैं, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। और बाय द वे, आपको भी पता है कि इस घर में कौन है जिसके हाथ अभी तक पीले नहीं हुए? जो बड़ा है वो मैं हूँ, कोई मेरे बारे में सोच रहा है? नहीं सोच रहा, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे दही लेने जा रहा हूँ, आपने तो बोला था। जिस घर में जाएगी चार चांद लगा देगी। मैं सोच कर गई थी कि इशारों से बात करूंगी, मगर क्या बात करती, मेरे बेटे ने तो बहन बनाने का ऐलान कर दिया। नहीं होगा। ए जी, छा गई आपको, तेरी बारी उठते हैं। एक और बारी तो अम्मा जी को जीत गए ना वो। चलो अम्मा जी करें, महेश भाई आ गए। आहो, मैं ते हुने फोन करने वाली थी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए हो। हाँ हाँ जी, अम्मा जी को लग रहा था कि सूरज और चांद की जोड़ी बाहर निकली हुई है, दुनिया वाले तो गश खाकर ही मर जाएंगे। मोना, इतना सारा सामान दिखाओ, क्या क्या लेकर आई हो? मैं अभी बिल्कुल नहीं दिखाने वाली, जब पहनूंगी तो तुम खुद ही देख लेना, बार बार दिखाने से चीज पुरानी हो जाती है। नहीं लगता है इनको भी नहीं कुछ दिखाया, सिर्फ बैग ही पकड़ा है, तभी तो रंगत उड़ी उड़ी लग रही है। तुमसे किसी ने कहा है बोलने को? और दादी, ये जितने भी मेहमान इस घर में आते हैं ना, ये आपके मेहमान है, इनकी जिम्मेदारी आप मुझे मत दिया करें। थक गया ना मेरा पुत्र, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। अब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सेम सेम मिजाज, मैं जब थक जाती हूँ ना तो मैं भी ऐसी बदमिजाज हो जाती हूँ। दादी, मैं आज के बाद ना इस लड़की के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, वो पागल है ये बिल्कुल। वहां मॉल में मुझे इत्तेफाकन मेरे दोस्त मिल गए, उनके सामने ये मेरे साथ ऐसे चिपक रही थी, मेरा और उसका कुछ सीन हो आपस में। नो जी, अम्मा जी लड़का तो शर्मा रहा है, हमें लगा थका हुआ है। तो जी इसको चुप करा लें आप, इससे कहें कि मेरे मामलात में इंटरफेयर ना किया करेगी। अच्छा चल सो जा, आगे है तू, मैंने पता है, जा मेरा बच्चा जा। यस, अब देखना, अब देखिएगा अम्मा जी, ये बड़ा आसान है शॉट। तू तो जे है ना, एक और दफा ट्राई कर लेती हूं। नहीं नहीं, दो धमाकियां नहीं होती, चीटिंग करते हैं ये अम्मा जी। वो इतने अरसे बाद हमारी जिंदगी में क्यों वापस आ रहा है? मैंने तो दिल पे पत्थर रख लिया, जब रानी को पता चलेगा कि उसका बाप जिंदा है, क्या वो दिल पे पत्थर रख पाएगी? जिस अंदाज से उसने अपने बाप की बात की है ना, मुझे तो लगता है वो माफ कर देंगी उसे। परेशान क्यों हो रही हैं आप? उसे तो किस्मत में ऐसे ही लिखा हो। पर मैंने ना उसे माफ नहीं करना। सुमान जी, सुमान जी मेरी गाल सुने, ऐसा ना करें, मेरी नहीं तो अपनी काकी की फिक्र करें। देखिए अगर आप ऐसे छट के चले गए तो दुनिया तो हमें जीते जी मार डालेगी। तो फिर यही बात अपने ताया जी को समझाओ, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि जबरदस्ती की शादी का क्या अंजाम होता है।
आज से तुम और तुम्हारी औलाद उनकी जिम्मेदारी है। और अगर ये बच्ची पूछे तो कह दो कि उसका बाप मर चुका है। ऐसा ना कर सुभाष जी, ऐसा ना कर, ये हमारी बच्ची है, हम दोनों की जिम्मेदारी है, ऐसा ना कर। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, तुम इस बच्ची को मेरे पैरों की जंजीर बनाना चाहती हो और वो मैं होने नहीं दूंगा। छोड़ो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानती दूंगी आपको। ना जाए जुमान जी, जुमान जी ना जाए, जुमान जी ना जाए, ना जाए, मैं छोड़ के जुमान जी। अरे वाह, तो बाइक भी चला लेती है, बड़ी हैरत की बात है। गट, अरे माशाल्लाह, आप भी बाइक चला लेते हैं, बड़ी हैरत की बात है। मैं तो वाकई दिल से तारीफ कर रहा था। कैसी हैं आप? A1, आप बताएं। ऑल गुड। मैं तो आपका आज सुबह से वेट कर रहा था, अभी राबेल से तो मुलाकात करा दें। क्यों? मतलब ऐसे ही, बहुत प्यारी लड़की है ना वो, इसलिए। प्यारी तो वो बहुत, सबको ही अच्छी लगती है। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, अच्छी तो वो है ही, मैं ये कह रहा था कि मुझे से लव शव हो गया है। लव शव? हाँ। जाओ जाओ, तुम जैसे लफंगों का ना लव शव खूब जानती हूँ मैं, मुझे भरोसा नहीं है। अरे किस किस्म की जालिम लड़की है आप इतनी जालिम हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। इससे कहीं ज्यादा जालिम हो सकती हूँ मैं। आप भूल गई क्या, मैंने आपको अपनी बहन बनाया था। एक भाई मुसीबत में तो आप उसकी हेल्प भी नहीं करेंगे? I need your help. बहन? ओ हाँ ब्रो, मुझे तो अब याद आया। हाँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सोचना पड़ेगा, मगर एक बार बता दूं, अगर तुम मुझे शामिल कर रहे हो तो मैं इस कहानी को एंड तक पहुंचाऊंगी, और अगर तो बेटा बीच में तुम डगमगा गए, डर गए, भाग गए, तो यही बहन तुम्हारी टांगे तोड़ देगी। आई समझ? ओके। बाय ब्रो। बाय। याद करना। बाय 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 बाय। भाई बोलो, वो कौन सी ऐसी हांडी है जिसमें प्याज नहीं डलता यार? इसने तो रुला रुला के बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। एक तो मासी है, घर पे आती नहीं है, जैसे हम उनको खा जाएंगे। अबे ओ ओ ओ ओ, कमबख्तो, काम वाली नहीं आ रही है तो खुद ही हाथ पांव हिला लिया करो। रोज फिसल के कभी सोफे पे तो कभी फर्श पे गिरता हूँ। इस उम्र में आए, हड्डियां तोड़वाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐ मेरी कमार, ओए तुझे क्या हुआ है? बच गया हूँ, बचत हो गई है मेरी, मरा नहीं हो जो आंसू बहा रहा है। अब्बा मैं आपके गिरने पे नहीं रो रहा, ये प्याज ने रुला के रखा हुआ है मुझे। ओ पुत्र अरबाब, पुत्र गाल सुन,
दोनों मुलाजमाएं ये कहे के काम छोड़ गई हैं कि घर में कोई खतून नहीं है। हम ऐसे घर में काम नहीं कर सकते जहाँ तीन तीन मस्टंडे रहते हो। जानता हूँ। फिर क्या सोचा है पुत्र? यही कोई लड़का मुलाजिम रख लेते। ये मुलाजमों के ना रोज रोज में मिन्नत नहीं कर सकता। अब खोते बीवी की मिन्नत तो कर सकता है ना? हरगिज नहीं। मैं किसी मुलाजिम के आगे हाथ पांव जोड़ लूंगा कि बीबी खुदा के लिए हमारे घर में काम कर लो, लेकिन वहां नहीं। खबर सुन रहा है इसकी बातें? ये आपा जी के सामने मुझे फुल जलील कराने के चक्कर में है। और क्या सोचेंगी वो हमारे बारे में कि कितने कंजूस और घटिया लोग है। बहू के नाम थोड़ी सी जायदाद लिखवाने को कह दिया तो पसीने छूट गए। बता दो उन्हें कि इस मकान की हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं है, हम असली वाले रईस हो गए। आपके आपा जो भी कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दौलत से प्यार करने वाली बीवी मुझे हरगिज नहीं चाहिए। खबर समझा ऐसे, बल्कि रहने दे, तू तैयार हो जा, हम दोनों जाते हैं और समन को लेके आते हैं। हाँ। नहीं अब्बा, आज रहने दे, एक दो दिन रुक जाते हैं, मैं खुद ही समझा लूंगा, मना लूंगा इनको मैं। चल ठीक है, फिर मेरे लिए चाय बना जल्दी। ओए चल प्याज ही काट दो अब्बा। ये तुम मुझे इनके घर क्यों लेकर आई हो? आस पड़ोस के लोगों से मिलन मिलाप होना चाहिए। आदम बेजार लड़की और लाइबा हॉस्पिटल से वापस आई है, अब उसका हाल चाल पूछना तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? आओ। नहीं देख रहे, हकीकत है। वो क्या है ना कि रानी अहमद ख्वाबों को हकीकत में बदल देती है मिस्टर पड़ोसी। यानी कि मेरी जिंदगी में आपका एक और एहसान। कैसा एहसान? बताइए ना, किस एहसान की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बताता हूँ। पहले आप अंदर तो तशरीफ लाएं, बातें होती रहेंगी। आप वो सिर्फ लाइबा से मिलने आए हैं ना? तो हाय, काश लाइबा की जगह मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता तो आप मेरी भी खैरियत दरख्वास्त करने के लिए आती ना? कोई मसला ही नहीं है, आ जाओ किसी ट्रक के नीचे, हम रोज आएंगे तुम्हारी खैरियत मालूम करने, पक्का। तो तुम बहुत बोलती हो यार, आप आइए ना, अंदर आओ ना। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।